नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश की वार्षिक बैठक ने अखाड़े का रूप ले लिया। यहां मीटिंग के दौरान डॉक्टर आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चलाए गए। सूत्रों की माने तो स्वागत भाषण में जबलपुर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे द्वारा भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर आईएमए के सदस्यों के बारे में की गई टिप्पणी से ग्वालियर आईएमए के सदस्यों द्वारा विरोध जताया गया। वहीं मंच से ग्वालियर आईएमए के सदस्यों को बाहर निकालने कहने पर ग्वालियर आईएमए के सदस्यों द्वारा उनको मंच से धक्का देकर उतार दिया गया। वहीं कुछ डॉक्टरों ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। विवाद को बढ़ता देख आईएमए जबलपुर के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस को बुला लिया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भाटिया के विरोध करने पर पुलिस को सदन के बाहर रहना पड़ा। बताया जाता है कि काफी देर चले हंगामे के बाद डॉक्टर अमरेंद्र पांडे द्वारा अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया गया और क्षमा मांगी गई। वहीं भोपाल के अवधपुरी इलाके के टैगोर नगर फेज 2 में सोमवार को एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। जिस जगह आग लगी पास ही छठ पूजन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे। डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है कि आग पटाखे की चिंगारी या फिर शॉर्ट सर्किट से लगी, दोनों की बातें सामने आ रही हैं। जाँच के बाद ही सही पता चल पाएगा। सुबह 7 बजे टेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बदपुरी झोला समेत अन्य फायर स्टेशनों से तुरंत दमकलें मौके पर पहुंची। आग ने तब तक भीषण रूप ले लिया था। आग की लपटें कई फीट ऊंची उठ रही थी। करीब 1.5 घंटे तक आग धधकती रही। आग लगने से टेंट कारोबारी का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।